गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर इन ग्रामर एंड द चैप्टर नेम इज जेंडर. इट इज इन टर्म टू बुक चैप्टर वन जेंडर. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर. नेमिंग वर्ड्स और नाउन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. नेमिंग वर्ड्स और नाउन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस, जो ये डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच में, नाउन्स हैव डिफरेंट जेंडर्स. सो दे आर नाउन्स को अलग अलग जेंडर्स है. दे आर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. एंड नाउन इज सेड टू बी ऑफ मैस्कुलाइन. मैस्कुलाइन जेंडर तब होता है जब इट रेफर्स टू ए मेल. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम बॉय, किंग, लॉयन की ले सकते, हॉर्स की ले सकते, प्रिंस की ले सकते. ओके, एंड a noun is said to be feminine gender when it refers to female. जब ये female के साथ होता तो we call it feminine gender. जैसे girl, queen, lioness, mare, whore, princess. Okay, these are feminine gender. It refers to female. Now there is one exercise. You have to write M for masculine gender and F for feminine gender. If it is male, you have to write M. If it is female, you have to write F. First is a picture. It is a picture of king. You will write M. Second picture, it is also same. It is also masculine, means it's picture of a boy. So we will write M. Third picture is a picture of a girl. So we write female. Same picture. This is a female picture. It is a picture of a woman. So we will write F. Next is a picture of a policeman, so we will write M. It's a picture of, I think it's a queen, so we will write F. It's a girl, so we write F, female. Okay, this is a picture of a man, so we will write M. Okay, now we will turn the page. Now there is, you have to understand, learn some more masculine and feminine nouns. Here we have changed masculine. If we have to change masculine into feminine, how we will change? Father ka, what is the masculine? What is the feminine of father? It's mother. Uncle is masculine. What is the feminine of uncle? Aunt. Masculine is brother. What is the feminine? Sister. Masculine is man. What is the feminine? Woman. Masculine is son. What is the feminine? It is daughter. Masculine is grandfather. And what is the feminine of it? It is grandmother. So now we have to do exercise B. Exercise 5 is, first is father. So what will we write? Mother. M-O-T-H-E-R, mother. Next is prince. What will we write here? Princess. Next is son. What will we write here? Daughter. D-A-U-G-H-T-E-R. Next is uncle. What will we write here? Aunt. A-U-N-T, aunt. Next is grandfather. What will you write? Grandmother. Next is king. What will you write? Queen. Raja, Rani. जैसे आप हिंदी में लिखते हैं, लिंग बदलो, सित्रलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, सित्रलिंग. ठीक है, दिस इज इन इंग्लिश वी से मैस्कुलाइन फेमिनाइन. ब्रदर, सिस्टर, मैन, वुमैन. ओके, नाउ एक्सरसाइज कलर द पिक्चर विच आर फेमिनाइन. देयर आर 4 पिक्चर्स. इनमें आपको जो फेमिनाइन है, जो फीमेल है, उसको आपको कलर करना है. यू विल डू इट इन योर, यू विल डू दिस इन योर होम, यू विल डू इट योर सेल्फ, इट इज़ योर होम. नेक्स्ट बुक इन इंग्लिश ग्रामर इज कॉन्सेप्ट. वी विल ऑल्सो रिवाइज इन दिस बुक द जेंडर. ओके, सो लेट इस ओपन चैप्टर 7 एंड दैट इज जेंडर. वी विल डू वन रिविजन अगेन. सम नेमिंग वर्ड्स आर यूज फॉर बॉयज. हेयर इट इज सिंपल. सम नेमिंग वर्ड्स आर यूज फॉर बॉयज. कुछ नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स हम यूज करते हैं बॉयज के लिए. अदर्स आर यूज फॉर गर्ल्स. सिंपल, फर्स्ट क्लास में आपको सिंपल याद रखना है. कुछ नेमिंग वर्ड्स वी आर यूजिंग फॉर बॉयज, अदर आर यूज फॉर गर्ल्स. लेट अस पुट बीफ इन फ्रंट ऑफ नाउन्स दैट आर यूज फॉर बॉयज.
जो बॉयज़ के यूज़ के लिए यूज़ करते हैं तो बी लगा देंगे, जो गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं वो हम जी लगा देंगे, ठीक है। फर्स्ट इज़ प्रिंसेस, प्रिंसेस तो गर्ल ही होगी सो वी विल राइट जी। वूमेन, वूमेन भी गर्ल ही होगी सो वी राइट जी। डॉग, डॉग भी मेल में ही आएगा, बॉय में ही आएगा, मतलब मेल में आएगा तो वी विल राइट बी। टाइग्रेस, टाइगर के जो फीमेल है उसको टाइग्रेस कहते हैं सो वी विल राइट गर्ल जी। किंग, किंग बॉय में होगा, मेल में ही होगा तो बी, वी विल राइट बी। एंड सिस्टर, सिस्टर इज अ गर्ल, बहन होती है, फीमेल होती है सो वी विल राइट जी। नेक्स्ट इज ब्रदर, ब्रदर बाई होगा, मेल होगा तो वी विल राइट बी। ग्रैंड मदर, इट इज़ अ फीमेल सो वी विल राइट जी। लेडी, इट इज़ ऑल्सो फीमेल सो वी राइट जी। वूमेन, इट इज़ ऑल्सो फीमेल वी विल राइट जी। हीरो, हीरो लड़का बनता है, हीरोइन तो लड़की बनेगी तो वी विल राइट बी। हस्बैंड भी क्या होता है, बॉय होता है, मेल होता है तो वी विल राइट बी। नाउ द नाउन्स दैट आर यूज फॉर द नेम्स ऑफ बॉयज, जो नाउन्स हम सिंपल में डेफिनेशन याद रख सकते, द नाउन्स दैट आर यूज फॉर द नेम्स ऑफ बॉयज आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल मैस्कुलाइन जेंडर। एंड द नाउन्स दैट आर यूज फॉर द नेम्स ऑफ गर्ल आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। एंड नाउन्स दैट वी आर दैट वी यूज फॉर गर्ल्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। ओके, नाउ वी विल टर्न द पेज। नेक्स्ट पेज इज यू हैव टू मैच, जैसे बॉय है, बॉय का फेमिनाइन क्या आ सकता है, गर्ल। सर, सर अगर क्लास में पढ़ा रहे होगा तो अगर उसका फेमिनाइन आएगा क्लास में पढ़ा तो मैम आएगी, मैडम। कॉक, कॉक मुर्गा जो होता है उसकी जो फीमेल में हम उसमें बदलेंगे तो हैन होगी। ब्रदर, सिस्टर, मैन, वूमेन, अंकल, आंट। ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू पिक द करेक्ट मैस्कुलाइन जेंडर फ्रॉम द क्लू बॉक्स एंड राइट इन फ्रंट ऑफ इट्स फेमिनाइन जेंडर। नीचे आपको क्लू बॉक्स दिया गया है, यू हैव टू चूज फ्रॉम द क्लू बॉक्स एंड राइट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज कॉव, एंड वट इज द कॉव इज अ, इट्स अ फेमिनाइन। वट इज द masculine of cow, it is ox. Vixen, what is the masculine of vixen, it is fox. And queen, what is the masculine of queen, it's king. And what is the masculine of mother, it is the father. What is the masculine of horse, it is the mare. What is the feminine of horse? Sorry, it's mare. What is the masculine of daughter? It is son. What is the masculine of heroine? It is hero. What is the masculine of loinness? It is loin. I will repeat again. What is the masculine of cow? It is ox. What is the masculine of vixen? It is fox. What is the masculine of queen? It is king. What is the masculine of mother? It is father. What is the masculine? Now here is what is the feminine of horse? It is mare. What is the masculine of daughter? It is son. What is the masculine of heroine? It is hero. What is the masculine of lioness? It is loin. Only horse is here. Horse is masculine. You have to write feminine. Okay, so by this way you can do your gender and do these pages in your book learn these words, understand the chapter properly. Okay, I will also send exercise to you. You have to do that in your notebook. Okay, now it was a small chapter. Do it and understand thoroughly and read it. In simple words we say nouns that are used for the names of boys are called masculine gender, and the nouns that are used for the names of girl are called feminine gender. It was a small chapter. Do it in your notebook as well as in your book.
you have to, I will send you one exercise that you have to do in your notebook. Rest of these two pages you have to do in your book, one in concept and composite book. Okay, thank you.